बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू बी फाइन। न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स बुक D2 का चैप्टर नंबर 7 रिलेशंस एंड फंक्शंस आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 7.1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर के अंदर हम बेसिकली सीखने वाले हैं कि व्हाट इज अ फंक्शन और एक रिलेशन फंक्शन से जो है वो वेरीफाई हो रहा है या नहीं, ये सारी चीजें हम इसके अंदर सीखने वाले हैं। तो वीडियो आप एंड तक देखिएगा। जो प्रॉब्लम एरियाज है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स वीडियो एंड तक देखनी है आपने और स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर कुछ की वर्ड्स होते हैं, कुछ की पॉइंट्स होते हैं, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जो हम बीच में शेयर करते हैं और आप लोग वीडियो स्किप करके देखते हैं तो वो मिस आउट हो जाती हैं। तो यहां पर बेसिकली हमसे कह रहे हैं ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन हैज द सेट ऑफ इंटीजर्स 2, 4, 6, 8। यहां पर आप देख सकते हैं कि हर एक जो है वो क्वेश्चन के अंदर पार्ट ए से एफ तक आपके पास सबके पास सेट ऑफ इंटीजर्स के अंदर 2, 4, 6, 8 है एज इट्स डोमेन, ठीक है, जो आपके पास डोमेन दी हुई है। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग एरो डायग्राम्स डिफाइंस अ फंक्शन। अब आपने ये बताना है कि ये जो आपके पास एरोज के साथ शो हो रहे हैं इमेजेस, तो क्या ये आपके पास फंक्शन बन रहे हैं या नहीं। इफ द आंसर इज नो, स्टेट द रीजन। अब आपने ये भी बताना है कि अगर ये फंक्शन नहीं बन रहे तो इसका रीजन क्या है। तो अगर आपको ये पता होगा कि फंक्शन क्या होता है, डोमेन क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, इमेज क्या होता है, तभी आप ये बता सकते हैं कि आपके पास ये जितने भी रिलेशन हैं ये फंक्शन हैं या नहीं। तो इसके लिए हम कुछ पहले जो है वो चीजें डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन आपके लिए इंशाल्लाह पीनट बन जाएगा। अब आपने की पॉइंट्स अपने पास नोट डाउन करते जाना है स्टूडेंट। सबसे पहली बात कि जैसे हमारे रियल लाइफ के अंदर रिलेशंस होते हैं कि एक शख्स दूसरे के फादर है, कोई किसी की मदर है, कोई किसी की बहन है, हमारे रिलेटिव्स होते हैं ना, ये सब क्या है, हमारे रिलेशंस हैं। बिल्कुल इसी तरह से मैथमेटिक्स के अंदर भी हमारे पास रिलेशंस होते हैं, जैसे कि 7 is less than 8, या ये नंबर इससे हायर है, या ये इसके परपेंडिक्यूलर है, ये इसके इक्वल्स टू है। तो दो नंबर्स का आपस में जो रिलेशन होता है उसको भी हम जो है वो मैथमेटिक्स के अंदर देखते हैं कि वो रिलेशंस ही होते हैं। तो यहां पर हमारे पास जो मैथमेटिक्स है इट इज बेसिकली अ स्टडी ऑफ रिलेशनशिप्स। अब यहां पर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं मेरे पास दो सेट्स हैं, ठीक है, एक डोमेन ए है और एक है को डोमेन बी। जब भी इस तरह के हमारे पास रिलेशंस होते हैं तो पहला जो सेट होता है इसको हम डोमेन कहते हैं और जो सेकेंड सेट होता है हम उसको कहते हैं को डोमेन। अब यहां पर आपके पास डोमेन के अंदर चार नाम मौजूद हैं और को डोमेन में भी आपके पास चार नाम मौजूद हैं, और इसके अंदर बीच में जो रिलेशन है वो क्या है, इज द हस्बैंड ऑफ, जो एरो है वो डिनोट कर रहा है कि डोमेन ए का बंदा डोमेन को डोमेन बी का हस्बैंड है। फॉर एग्जाम्पल अहमद इज द हस्बैंड ऑफ फातिमा, कुमार इज द हस्बैंड ऑफ देवी, मिंकिंग इज द हस्बैंड ऑफ शुहोई और डेविड इज द हस्बैंड ऑफ जेन। तो ये चार अलग अलग लोग हैं जो चार अलग अलग खवातीन के हस्बैंड हैं। तो इससे हमें पता चल रहा है दो चीजों का कि पहला जो सेट होता है वो डोमेन होता है और जो दूसरा सेट होता है वो को डोमेन होता है। और जब इस तरह से हो हमारे पास स्टूडेंट्स तो इसको हम रिलेशन कहते हैं, लेकिन हर रिलेशन को हम फंक्शन नहीं कहते। कोई भी रिलेशन हमारे पास फंक्शन कब बनता है, जब डोमेन ए में से हर एलिमेंट, जितने भी हमारे पास इस डोमेन में एलिमेंट्स हैं, वो किसी ना किसी एक एलिमेंट से, अच्छा यहां पर ये जो होते हैं हमारे पास ये इमेजेस होते हैं, ठीक है, हर एलिमेंट का कोई ना कोई इमेज होता है। तो अगर डोमेन ए में से हर एलिमेंट का कोई एक इमेज हमारे पास मौजूद है, कोई एक इमेज यानी यूनिक इमेज है अगर हमारे पास, तो ये हमारे पास जो है रिलेशन फंक्शन बन जाता है। लेकिन उसके लिए कौन सी दो आपके पास जो है वो रिक्वायरमेंट्स को मीट करना पड़ता है कि हर जो आपके पास एलिमेंट है वो किसी एक आपके पास इमेज का जो है वो रिलेशन हो, और हर एक आपके पास रिलेशन हो, ये दो आपके पास। अगर कोई एक भी डोमेन ऐसा होगा कि उसका कोई यहां पर रिलेशन नहीं है तो ये आपके पास फंक्शन नहीं बनेगा, और कोई एक भी आपके पास एलिमेंट ऐसा है जिसके दो आपके पास यहां पर रिलेशंस बन रहे हैं तो वो भी आपके पास फंक्शन नहीं बनेगा।
यहाँ पर देखिए मेरे पास दो सेट्स हैं, डोमेन ए के अंदर जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं उनका कोई ना कोई को डोमेन के अंदर इमेज मौजूद है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर, जैसे आपके पास एलिमेंट अली है तो उसका सिर्फ एक इमेज है पीटर, लेकिन जब अरविंद की बात आती है तो उसके दो इमेजेस हैं को डोमेन में, एक है कैरल और दूसरा है अमीला। तो इसका मतलब है ये हमारे पास जो रिलेशन है ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो इस चीज को आपने याद रखना है कि ये एलिमेंट्स हैं, ये इमेजेस हैं, ये डोमेन है, ये को डोमेन है, ठीक है। और उसके बाद यहां पर जो एलिमेंट्स हैं इसका कोई ना कोई एक इमेज लाजमी होना चाहिए को डोमेन के अंदर, और अगर जो है वो एक से ज्यादा होगा तब भी ये फंक्शन नहीं बनेगा, और अगर एक भी इमेज नहीं होगा तब भी ये फंक्शन नहीं बनेगा। यहाँ पर एक और चीज है स्टूडेंट्स कि अगर आपके पास हर एलिमेंट का सिर्फ एक इमेज है, ठीक है, और आपके पास जितने इमेजेस हैं वो सारे भी कवर हो रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं 1-to-1 फंक्शन। यानी इसका मतलब क्या है कि हर एलिमेंट का एक इमेज है और डिस्टिंक्ट इमेज है, कोई ऐसा नहीं है कि हमारे पास दो एलिमेंट्स का कोई एक इमेज हो, ठीक है। हर एलिमेंट का अपना अपना यूनिक इमेज है, तो इसका मतलब है कि वो 1-to-1 फंक्शन कहलाता है। लेकिन अगर डोमेन ए के अंदर हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं उसका फंक्शन तो उसका इमेज तो हो हमारे पास डोमेन को डोमेन बी के अंदर, लेकिन वो डिस्टिंक्ट इमेज ना हो, यानी दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स सेम इमेज को कवर कर रहे हो, तो उसको हम 1-to-1 फंक्शन नहीं कहते। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं पीटर, जिम और जॉन तीनों के पास एक ही हमारे पास इमेज है ए, तो इसका मतलब है ये 1-to-1 नहीं है, यानी सबके पास अपना अपना यूनिक हमारे पास इमेज नहीं है। हाँ, लेकिन ये फंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जितने एलिमेंट्स हैं उन सब का हमारे पास इमेज मौजूद है, कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसके पास इमेज ना हो, या कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसके पास दो इमेजेस हों, सबका अपने पास डिस्टिंक्ट यूनिक इमेज है, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास फंक्शन है, ठीक है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए अब हमारे लिए क्वेश्चन सॉल्व करना कुछ भी मुश्किल बात नहीं है। स्टूडेंट्स हम पार्ट ए में देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर चार एलिमेंट्स हैं, 2, 4, 6, 8, सबका अलग अलग यूनिक हमारे पास इमेज है, ठीक है। मतलब यहाँ पर हमारे पास सबके पास इमेज है, कोई ऐसा नहीं है कि जिसका इमेज ना हो, और कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसके दो इमेजेस हों, तो येस दिस इज हमारे पास फंक्शन। सिमिलरली पार्ट बी के अंदर हमारे पास जो चारों एलिमेंट्स हैं इसके अंदर हमारे पास सबका फंक्शन तो है, लेकिन इसके अंदर जो हमारे पास एलिमेंट टू है उसके हमारे पास दो इमेजेस हैं, तो इस वजह से ये हमारे पास फंक्शन नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, नो पार्ट बी इज नॉट अ फंक्शन बिकॉज द एलिमेंट इन डोमेन ए हैज टू इमेजेस, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास फंक्शन नहीं है। पार्ट सी के अंदर देखिए यहां पर चारों एलिमेंट्स के अपने अलग अलग इमेजेस हैं, ठीक है, किसी के भी दो इमेजेस नहीं है और कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसका इमेज ना हो, तो यस दिस इज अगेन अ फंक्शन। और इसी तरह से पार्ट डी में देखिए कि यहां पर भी चारों एलिमेंट्स के फंक्शंस मौजूद हैं, तो ये भी हमारे पास जो है वो फंक्शन है, ठीक है। आपने इमेजेस को नहीं देखना, फोकस आपका होना चाहिए एलिमेंट्स का जो डोमेन में आपके पास हैं, कि उन सब का कोई ना कोई इमेज हो और किसी के भी एक से ज्यादा इमेजेस ना हो, बस इन्हीं दो बातों को ध्यान में रखना है, तो वहां पर फंक्शन की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी, ठीक है। जब ये बात समझ में आ गई तो पार्ट ई देखिए, पार्ट ई में भी हमसे कह रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास चार एलिमेंट्स हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमारे पास एलिमेंट फोर है उसका कोई इमेज नहीं है, तो ये हमारे पास फंक्शन नहीं है। और ये फंक्शन क्यों नहीं है, बिकॉज द एलिमेंट इन डोमेन ए हैज वन ऑफ द एलिमेंट्स हैज नो इमेज इन दी को डोमेन बी, ठीक है। अब अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो पार्ट एफ आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएंगे स्टूडेंट्स कि आइदर इट इज अ फंक्शन और नॉट, अगर ये है तो उसका रीजन भी बताएंगे, अगर ये फंक्शन नहीं है तो आप उसका भी रीजन मुझे बताएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड, प्लीज हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।